हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक के मॉडल सेट को यानी कवर करेंगे। ओके, अब तक हम लोग 6 मॉडल पेपर कवर कर लिए और आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट 7 को कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है, ये स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग बनाए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विद इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, जो आपके एग्जाम 2024 में 100% यहाँ से जो है लगभग आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को जो है पूरी तरह से एंड तक देखना और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को जो इससे भी हेल्प हो पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 100 में से आपको कितने का यानी 50% का ही जो आपको यानी ओएमआरसी पर आपको फिल करना होता है। ठीक है, कितना का यानी ओएमआरसी पर यानी 50% का ही जो आपको चिन्हित करना होता है। राइट, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था, यानी अकबर का जो शासन का कार्यकाल था वो कब से कब तक था, आपको ये बताना है। ठीक है जी, तो हम लोग जानते हैं, देखिए अकबर जो गद्दी पर आकर के बैठा था वो कब बैठा था, 1556 में आकर के बैठा था और इसका कार्यकाल 1605 तक चला था। ठीक है, उसके बाद अकबर के बाद उसका पुत्र आया कौन, यानी जहांगीर आकर के गद्दी पर बैठा था, ये फिर 1605 से लेकर 1627 तक चला था। तो यहाँ हम लोग अकबर के शासनकाल की बात कर रहे हैं, ये 1556 से लेकर 1605, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग बी बता रहे, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे। आयने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। पहले बच्चों आप लोगों को पता होगा कि आयने अकबरी के अनुसार जो है भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और हम लोग जानते हैं आयने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल, ये सभी बच्चों को पता होगा अबुल फजल होगा। और एक चीज आपको पता होगा, ये अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आयने अकबरी है। ठीक है, अकबरनामा का भी लेखक जो है कौन, अबुल फजल ही है। ठीक है जी, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बाबरनामा या तुझके बाबरी की रचनाकार कौन थे। बताइए बाबरनामा या तुझके बाबरी के रचनाकार के बारे में आप लोग को बताना। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा बदायूं, अबुल फजल। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हम जानते हैं बाबरनामा या तुझके बाबरी के रचनाकार जो होगा तो ये बाबर होगा और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था। प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी स्मृति में किया गया था, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था और इसका आंसर आप लोग का जो प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, और ये आप लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये भी आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है जी, और पता है इसका कार्य को जो पूरा किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने इसका कार्य को पूरा किया था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी बताइएगा। तो अब देखिए आपको पता होगा मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत जो है बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, अकबर के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, भूमि सुधार संबंधित जबती प्रथा किसकी देन थी बताइएगा। भूमि सुधार संबंधित जबती प्रथा किसकी देन थी आपको इनके बारे में बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के इंटरव्यू से। चलिए देखिएगा, ये आपका जो टोडलमल होगा बिरबल या फैजी या मानसी, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है टोडलमल, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग टोडलमल बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अकबर का मकबरा जो है कहां पे स्थित है, दिल्ली, आगरा, मथुरा या सिकंदराबाद। तो हम लोग जानते हैं अकबर का मकबरा की अगर बात किया जाए तो सिकंदराबाद, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा का खोज जो है कब हुआ था। बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता, हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने के ऐलान जो है घोषणा कब किया था, तो ये जो किया गया था 16 अगस्त 1946 को किया गया था और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग ये बताएं बिल्कुल आप सही बच्चों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। हम लोग जानते हैं कि हुमायूं नामा का लेखक जो है कौन है, गुलबदन बेगम जी है। ठीक है, और इसका जो है किसके आग्रह पर लिखा था, तो ये अकबर के आग्रह पर लिखा था और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बादशाह नामा किसने लिखा था, तो ये भी आपको बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये आपको पता होगा बादशाह नामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी होगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है, ये भी आप लोग को बता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग दिल्ली बता रहे बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट होगा। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह अगर पूछा जाए अजमेर में, ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह अगर पूछा जाए तो आगरा में होगा। ठीक है जी, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जाता है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वो मार्को पोलो को ही कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर
14वां क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है बताइए। तो सब जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, राजेंद्र प्रसाद का, लाल बहादुर शास्त्री का, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही होगा ये, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बताइएगा इसका आंसर आप लोग का कमेंट करके बता रहे हैं सर ऑप्शन बी होगा, ए होगा कुछ बच्चे बता रहे हैं। हाँ बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। देखिए आप लोगों को पता होगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है, ठीक है ये बता दे आपको, ये बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात किया जाए तो अशोक मेहता इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग अशोक मेहता बता रहे हैं ना बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। सूफी परंपरा को शिष्य को जो है शिष्य क्या कहा जाता है सूफी परंपरा में, तो हम लोग जानते थे कि सूफी परंपरा में जो शिष्य को जो कहा जाता था वो मुरीद कहे जाते थे, ठीक है जी, किस क्या कहे जाते थे मुरीद, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या कितना है 18 है, और पुराणों का जो अध्ययन किए थे वो कौन थे, अलबेरूनी थे, ठीक है तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, अलबेरूनी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है वो किसने किया था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो किया था वो इब्न बतूता के द्वारा किया गया है, और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है बताइए। देखिए इब्न बतूता की पुस्तक की अगर बात किया जाए तो किताबुल रिहाला होगा, या तहकीक हिंद होगा, या इंडिका होगा। इंडिका तो मैगस्मिथ का, तहकीक हिंद जो है अलबेरूनी का होगा, किताबुल रिहाला इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है तो बिल्कुल डेफिनेटली बताओगा, हम लोग जानते हैं कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोगों का सी होगा, ठीक है। वही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना बीजेपी का 1980 में, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, 1977 में जो है जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ये सभी को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे। देखिए महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गया था वो 1853 को गया था, 93 को गया था, लेकिन वापस जो आए थे 1915 को आए थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पता है, अंतिम सुल्तान जो थे यानी इब्राहिम लोदी थे, और इसका जो है स्थापना 1206 में हुआ था, हम लोग को पता है। और इसमें जो क्या अंतिम सुल्तान की अगर बात किया जाए, इब्राहिम लोदी का, किसने हराया था इसको, बाबर ने हराया था, किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, ठीक है, इसको हरा करके जो मुगल वंश का नींव रखा था, कौन, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अस्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि विशाल अस्नानगर बोले चाहे अन्नागर बोले, तो ये आप लोग को आंसर जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या, मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया था 18 है, और इसका आंसर आप लोग का 18 जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोप का समुद्र कौन था प्यारे बच्चों, ये बताना आप लोगों को। तो हम लोगों को पता है यूरोप का अगर समुद्र की अगर बात किया जाए तो यूरोप का समुद्र आपका जो होगा नेपोलियन, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो हम लोग जानते हैं किसके अभिलेख में जो भूमि दान का उल्लेख मिलता है, तो ये प्रभावती गुप्त, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो सब जानते हैं कि महाभारत की भाषा जो है संस्कृत भाषा में हुआ था, और इसका लेखक जो कौन है, वेदव्यास है। कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था, कहां पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में। 27 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, और जितने सारे बच्चे आप लोग 8 प्रकार बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं 1857 का विद्रोह जो होना था वो 31 मई को होना था, कब होना था, लेकिन जगह जगह पर जो है प्यारे बच्चों ये 10 मई को ही जो है शुरू हो गया था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। वैभगत का सिद्धांत, जिसको हम लोग हड़प नीति भी, हड़प नीति का भी सिद्धांत जो है कौन दिया था, डलहौजी दिया था, वैभगत का ही। तो ये बिल्कुल आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, तो देखिए वेदव्यास तो होगा नहीं, क्योंकि महाभारत का लेखक वाल्मीकि भी नहीं होगा, क्योंकि रामायण के लेखक है कौन है, रामायण का लेखक कौन है, ये वाल्मीकि हो जाएगा, और ये जो है कौन, किसका है, महाभारत का है। तो ये सारा चीज तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद ये तो मनुस्मृति का जो होगा आपका मनु, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, आनंद मठ की रचना की थी, यानी देखिए आनंद मठ की रचना की बात हो रही है तो बंगम चंद्र चटर्जी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे बताइएगा। उग्रवादियों के प्रमुख नेता की बात किया जाए तो यहाँ होगा गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, होम रूल की स्थापना की थी, तो बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, होम रूल का स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट होगा, बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 34 देखेंगे, सामान्य लोकमान्य कहलाने जाने वाले नेता कौन थे। तो देखिए लोकमान्य के नाम से जो जाने जाते थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, लोकमान्य तिलक, सॉरी हाँ लोकमान्य के नाम से। क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, और सूरत अधिवेशन में जो है हुआ था इसका विभाजन, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ था, मैंने आपको बताया था कि रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो है सब जो है एक जनसभा बैठा था, कहाँ पे, यानी जलियांवाला बाग में, जहाँ जो अमृतसर में, ठीक है, जो अमृतसर कहाँ पर था, पंजाब में। ये बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, ठीक है जी। तो ये जो है इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, तो ये बिल्कुल ये आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर होगा, 1919 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, बताइए 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना जो हुआ था वो 1915 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वराज दल की स्थापना हुई थी, बताइए, देखिए हम लोग जानते हैं स्वराज दल का स्थापना की अगर बात किया जाए तो आपको देखिए 1922 से कहीं कहीं अभी कभी कभी आपको 23 मिलता है, ठीक है, ये आपको 23 मिलेंगे 23 देना है, 22 मिलेंगे तो 22 देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन आयोग ने भारत कब की यात्रा की, देखिए साइमन जो अपना भारत जो आया था वो 1928 को आया था, और इसका वापिस जाओ का नारा लगाया था, ये भी आप लोगों को पता होगा, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा, यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था, देखिए चौरी चौरा कांड ये जो है मतलब 1922 को घटा था, ये आप लोगों को पता है कब हुआ था, यानी जल्दी बताएंगे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड, तो देखिए हम लोग जानते हैं 4 फरवरी 1922 को हुआ था, कब हुआ था जी, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी होगा, क्योंकि इस आंदोलन के बाद जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। फुटबॉल ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने किया था, सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुआ था, देखिए 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है 1937 में जो है चुनाव हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, मैंने आपको बताया था सलीम चिश्ती के बारे में, आपको बताया था ये आगरा में, अजमेर में जो है क्या हो जाएगा, यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती का हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में तो हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया का है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो सबको पता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना है 1784 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है, और ये किसने किया था, सर विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1600 है जो राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सब जानते हैं बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, देखिए जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो 24वें तीर्थकार जो था वो महावीर स्वामी थे, कौन थे जी, तो महावीर स्वामी। जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपको आंसर परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 49, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता की बात हो रही है, तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को के रहने वाले थे, ठीक है जी, मोरक्को के अफ्रीकन यात्री थे और ये मोरक्को के रहने वाले थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मैंने आपको बताया था क्लास में 1206 में होगा दिल्ली सल्तनत का स्थापना, और अंतिम सुल्तान तो पता ही होगा आपको कौन था, यानी इब्राहिम लोदी था। आगे देखिएगा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो कुमार गुप्त, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जीवक की ख्याति किस रूप में थी, तो बिल्कुल आपको पता है वेद के रूप में थी, और इसका आंसर आप लोग वेद जो कर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है, अवस्थित था 53 का, तो देखिए हम जानते हैं अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ये भागलपुर में अवस्थित है, और इसका आंसर आप लोग का भागलपुर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है, प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है, हम लोग जानते हैं कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसका आंसर आप लोग का जितने सारे बच्चे डी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य आप लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं आजाद शत्रु के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। जीवक वेद किस वंश का काल में था, तो हम लोग जानते हैं जीवक वेद जो है किस काल के थे, तो ये हरियक वंश के काल के थे, और इसका बिल्कुल आप परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत जो है किसने कराई थी, तो बताइए अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत जो है हम लोग जानते हैं कनिष्क के द्वारा कराया गया था, ये बिल्कुल आप कनिष्क नहीं रुद्रधमन यानी सॉरी रुद्रधमन के द्वारा, सॉरी माफी चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कनिष्क का जो है चौथा जो है बोध संगीत बुलाया था वो कनिष्क के काल में ही बुलाए थे, ठीक है, तो ये रुद्रधमन इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था, तो हम लोग जानते हैं गंगा शोन एंड कुनकुनी तीनों नदियों के संगम पर जो किया गया था, और इसका आंसर आपको खड्डी जो है मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा, समस्त भारत ही नहीं एशिया यूरोप सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है, तो वो जाता है अस्कंद गुप्त को जाता है, और इसका आंसर आप लोग का अस्कंद गुप्त जो है मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, ये भी आप लोगों को पता है, यूरोप का समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, सभी को पता है प्रभाती गुप्त को मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है, संस्कृत भाषा में, मैंने आपको बताया था महाभारत की रचना किसने की थी, तो सबको पता है कि महाभारत की रचना वाल्मीकि तो नहीं होगा क्योंकि रामायण का किया है, मनुस्मृति का मनु ने किया था, ये वेद व्यास जो है महाभारत का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था 8 प्रकार के का, ठीक है। चलिए महाभारत कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख देता है, ये भी आप लोग बताए, मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के बताए और महाभारत में, तो ये जो होगा आपका यानी 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था, ये भी आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 18 दिन तक चला था, ये कहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि
कोडावर पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुई थी। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे, तो सब जानते हैं प्रकृति की पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? प्रकृति के। उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी प्यारे बच्चों? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ये सभी का जब पूजा होने लगा, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सांची स्तूप के संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी है? देखिए, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, लेकिन ये जो है सुरक्षित रखने में भूमिका जो है एच एल कोल का भी है, साझा बेगम का भी है, सुल्तान जहा बेगम, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? तो मैंने आपको बताया था ये रायसेन जिले में स्थित है, और इसका आंसर आप लोगों का रायसेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से गौतम बुद्ध के शिष्य बताइए, तो गौतम बुद्ध के शिष्य आप लोगों को पता आनंद उपाली भी थे, कश्यप भी थे, शरीपुत्र एवं गौरतल्यंत भी थे, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुंडलवन जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत के शासक के काल में हुई थी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये जो है कनिष्क के काल में हुआ था। कहां पे हुआ था? कश्मीर में, यानी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे देखिए, संलेखन यानी पहले कैकलेश द्वारा मृत्यु के विधान किस धर्म में है? तो यह बिल्कुल आपको पता है जैन धर्म में था, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे, और 24वां कार तो आपको पता है महावीर स्वामी था। 74 नंबर क्वेश्चन, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये आप लोगों को पता है 5 भागों में विभक्त है, अगर भूमि को अगर बांटा गया है तो इसके अनुसार 4 भागों में। ठीक है, तो ये आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आयन अकबरी किसने लिखा था? मैंने बताया था ना कि अबुल फजल ने लिखा था, और इसका आंसर आप लोग अबुल फजल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये भी आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है परिवर्तित किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुमताज एवं साझा की पुत्री का नाम क्या था? ये भी आप लोगों को पता है, मुमताज एवं साझा की पुत्री का नाम जो है जहारा भी था, रोशन आरा भी था, गुहारा भी था। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं का भाई कौन था प्यारे बच्चों, ये बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं हुमायूं का कामरान भी होगा, अस्करी, हिंदालिया, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चर्मोत्कार पर पहुंची थी? देखिए, सबसे अधिक विकास की अगर बात किया जाए तो साझा के काल में होता, लेकिन चर्मोत्कार पर जो पहुंचा था वो जहांगीर के काल में, और इसका आंसर आप लोग का जहांगीर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। रज्जबनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है महाभारत का जो है फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो आप लोगों को पता अकबर के आग्रह पर जो लिखा था, और हुमायूं नामा का लेखक कौन है? अकबर। ये बादशाह नामा को तो ये बता ही दिया, अब्दुल हमिद लाहौरी। ठीक है, यस सर, राजकीय नियम किसके ने लागू किया था? तो ये भी पता है चंगेज खान के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी बेवरेज जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, किसी विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पर पार की यात्रा लिखकर जो है भारत उस व्यक्ति का आधार तैयार किया था? तो अफनासी निकेतन थे। कौन थे ये? अफनासी निकेतन थे, जी एस लिवेदेव। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रूस में भारतदा का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है जी एस लिवेदेव जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत का आधार प्रादेशिक फिल्म का निर्माण हुआ था? तो ये जो है अफनासी निकेतन का था। किसका था जी? अफनासी निकेतन, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर जो है चेचक का दाग है, वह अत्यंत है जो है न्यायपीलिन है। ये कृष्णदेव के संबंध में कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है डेमिंगोस पेज का है, और इसका आंसर आप लोग का डेमिंगोस पेज जो है राइट आंसर हो जाएंगे। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो ये बिल्कुल आपको पता है डेमिंगोस पेज जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके जी, चलिए आगे देखिएगा, अपना यात्रा वृत्तांत मतले सादेन नामक किस विदेशी यात्री ने लिखा था? ये अब्दुल रज्जाक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है जी, आगे देखिएगा, सूफी मत का फिरदौसी शाखा निम्न से कहाँ सबसे अधिक पनपी थी? तो पनपा जब सबसे अधिक जो है बिहार में, बंगाल में, तो बिहार में जो सबसे अधिक पनपा था, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ख्वाजा मोनी चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? यानी मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, ये बिल्कुल आपको पता अजमेर में स्थित था, और पता निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली में बताइए। पाहन पूजे हड़े मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये भी आप लोगों को पता है, ये जो है किसका, यानी कबीरदास जी का है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का कबीरदास जी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। शंकराचार्य का मत क्या है? तो हम लोग जानते हैं अद्वितीयवाद जो है शंकराचार्य का मत है। ठीक है, आगे देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले संबंधित है? सब जानते हैं कि यह चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था? तो सब जानते हैं वल्लभाचार्य का जन्म के बारे में आप लोगों को पता है वाराणसी में हुआ था। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 98, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो सब जानते हैं कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो होगा आपका चिश्ती सिलसिला से ही है। ठीक है, आगे देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो ये तो आपको पता है दिल्ली में ही है। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मध्ययुगीन यात्रियों का सरदार किस यात्री को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये जो होगा आप लोगों का मार्क पोल हो जाएगा, और बताइए आप लोगों को अभी 100 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर मैंने आपको कवर करवाया। ठीक है, तो इन 100 में से आप लोग जो खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ में अपने दोस्तों को ज्यादा से शेयर करें। और जो बच्चे नए हैं, आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं,
तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथ में आपको जो है रेगुलर क्लास का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेंगे। तो डियर, जो बच्चे अभी तक आपको कोर्स नहीं परचेज किए हैं, तो आप लोग जो है बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां जाकर कोर्स को परचेज कर लेंगे। चलिए डियर, यहाँ तक आज के क्लास में करते, जय हिंद, जय भारत।